नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, न्यूबॉर्न को हिचकी आती क्यों है? हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम, और वो किसी भी रीजन से इरिटेट होता है तो बच्चे को हिचकी आती है। अब बात करते हैं डायफ्राम इरिटेट क्यों होता है। बेसिकली जब बच्चे का पेट फूल जाता है और वो डायफ्राम से टकराता है तो बच्चे को हिचकी आती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा, उसे पेन तो नहीं हो रहा, और हम एज अ पेरेंट परेशान हो जाते हैं। आपने बेबी को फीड कराया, उसके बाद बर्प नहीं कराया, हवा ट्रैप हो गई, इसलिए बेबी का पेट फूल जाता है और वो डायफ्राम से टकराता है तो बच्चे को हिचकी आती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है, आपने जो बॉटल यूज करी वो एंटी कॉलिक नहीं थी, दूध के साथ हवा भी बच्चे के पेट में चली गई जिससे पेट उसका फूल गया। और हम बॉटल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, खुद पकड़ते हैं, तो हमने ऐसी पोजिशन रखी कि हवा भी साथ में चली गई और बच्चे के पेट में हवा चली गई जिससे उसका पेट फूल गया, हवा अंदर ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से वो डायफ्राम को इरिटेट करती है और बच्चे को हिचकी आती है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि बच्चा जब ब्रीम फीड कर रहा हो, आप उसे बॉटल से दूध पिला रहे हो, तो वो जितना पेट में आए उतना दूध तो पी लेता है, बाकी दूध वापस पुश कर देता है, उससे भी डायफ्राम इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट, कई बार बच्चों को बहुत तेज भूख लगती है तो वो दूध पीते जाते हैं, रुकते ही नहीं है, उससे भी उनका डायफ्राम इरिटेट हो जाता है और उन्हें हिचकी आती है। और प्री मैच्योर बेबीज के केस में ये बहुत कॉमन है कि उन्हें हिचकी की ज्यादा दिक्कत रहती ही है। अब ये तो बात हो गई कि हिचकी बच्चे को किन वजह से आती है, बट एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं जिससे बच्चा रिलैक्स हो सके और काम रहे। सबसे पहला है, हर फीड के बाद बेबी को बर्प कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएट बर्प कर ले, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चे को अपने शोल्डर में लेके उसके बैक को पैट करते रहिए, कुछ देर बाद उसको बर्प ज़रूर आ जाएगी, उससे भी वो रिलैक्स हो जाएगा और जितनी भी उसके पेट में हवा ट्रैप हो रखी है वो भी निकल जाएगी। नेक्स्ट, आप ये कर सकते हैं, आप अपनी फीडिंग पोजिशन पर वर्क कर सकते हैं। बच्चे का सर ऊपर की तरफ होना चाहिए और अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो बॉटल नीचे स्लांट करनी चाहिए, जिसकी वजह से हवा ट्रैप नहीं होगी और बच्चा सिर्फ दूध ही पिएगा। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि बॉटल फीड कराने के बाद भी आपको बच्चे को बर्प कराना है। नेक्स्ट, आप बच्चे को छोटी फीड दीजिए, क्योंकि एक साथ अगर आप उसे बहुत ज़्यादा फीड दे देंगे तो वो लेता जाएगा, जिसकी वजह से हवा ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी फीड्स दीजिए बच्चे को, उससे बच्चा ठीक रहता है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा टोटली बॉटल फेड है तो आपको एंटी कॉलिक बॉटल्स ही यूज़ करनी है और हर 3 महीने में अपनी बॉटल्स को चेक करके चेंज करिए, क्योंकि अगर एक बॉटल को आप लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे उससे भी बच्चे के पेट में हवा भरने के चांसेस रहते हैं। और मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि जिस टाइम बच्चे को हिचकी आए उसे दूध ना पिलाएं, उससे क्या होगा, बच्चा वापस पुश कर देगा दूध। एंड नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब भी मेरे बच्चे को हिचकी आती थी उस वक्त मुझे फील होता था कि शायद इसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इसे पेन हो रहा है, तो मैं उसे अपने कंधे पे लेके अच्छे से पैट करती थी उसके बैक को, जिससे वो रिलैक्स फील करे। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।